हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। दो दिन बाद बिग बॉस फिनाले है। शालीन भनोट, शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, अर्चना गौतम और प्रियंका चाहर चौधरी टॉप फाइव में अपनी जगह बना चुके हैं। इनमें से बिग बॉस 16 का विनर कौन होगा, ये जानने के लिए हर कोई बेताब है, बेकरार है। हालांकि फिनाले से पहले एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें प्रियंका चौधरी बिग बॉस की ट्रॉफी पकड़े नजर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या सच में प्रियंका बिग बॉस विनर बन गई है। प्रियंका चौधरी सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक है। पूरे सीजन प्रियंका घर के हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती नजर आई है। वीकेंड कबार पर उन्हें सलमान खान से काफी डांट भी सुननी पड़ी, पर फिर भी उन्होंने अपनी बुलंद आवाज को दबने नहीं दिया है। वहीं अब फिनाले से पहले प्रियंका चौधरी की एक फोटो शेयर की जा रही है। वायरल फोटो में प्रियंका सोफे पर बैठी दिख रही हैं। उनके हाथ में बिग बॉस 16 की ट्रॉफी भी नजर आ रही है। प्रियंका की ये फोटो अर्शी खान ने शेयर की है, जो बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। अर्शी खान ने प्रियंका की फोटो शेयर करते हुए उन्हें सीजन का विनर बताया। हालांकि अब अर्शी खान की बात कितनी सच होती है वो तो 12 फरवरी को पता चल जाएगा। शहनाज गिल फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस के साथ एक चैट शो में भी काम कर रही हैं। उनका चैट शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल कम समय में ही काफी पॉपुलर हो गया है। विकी कौशल और आयुष्मान खुराना के बाद शो में बिठा उनके चार्मिंग स्टार शाहिद कपूर नजर आए। शहनाज गिल सभी गेस्ट के साथ ढेर सारी मस्ती करती है, ऐसे में उनके फेवरेट स्टार शाहिद कपूर के साथ उनकी मस्ती कैसे फीकी पड़ सकती थी। शहनाज ने शाहिद के साथ कई सारी बातें की। शहनाज ने शो में शाहिद की शादी का भी जिक्र किया। एक्ट्रेस ने जाहिर किया है कि शाहिद ने शादी करके कई लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं। दरअसल बात हो रही थी शाहिद कपूर की अपकमिंग वेब सीरीज फर्जी की। शाहिद ने बताया कि वो इस सीरीज में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। इस पर शहनाज ने कहा कि वो नहीं मानती कि वो विलन है क्योंकि वो इतने हैंडसम है, वो हीरो है। इसके बाद शहनाज कहती है, पता है आपने इतनी जल्दी शादी करके कितनी लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं। शायद कैमरे की ओर देखते हुए सॉरी बोलते हैं। एक्टर का रिएक्शन पर शहनाज कमेंट करती है और कहती है, मुझे डर लग गया, अजीब सा था। शायद कहते हैं कि उन्होंने बस सॉरी बोला है क्योंकि उन्होंने दिल तोड़ा है, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। वाकई शाहिद बहुत देर हो चुकी है। टीवी जगत में अपने नए आयाम खड़े करने वाली एकता कपूर ने हाल ही में अपने फैंस को चौंका देने वाली खबर दी। टीवी जगत की नामी गिरामी प्रोड्यूसर्स में से एक, जिन्होंने टीवी जगत की दुनिया को मनोरंजन के अलग लेवल पर ला दिया, उन्होंने ऐसा खुलासा किया कि सब हैरान रह गए। शोभा कपूर और एकता कपूर ने साल 2017 में ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ALT बालाजी का आगाज किया था। इस OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट बाकी OTT से काफी हटके था, लेकिन अब एकता कपूर ने इस OTT प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट में बदलाव की सूचना कर दी है। एकता कपूर ने 10 फरवरी को सोशल मीडिया पर बड़े बदलाव की घोषणा की और ये घोषणा की है कि एकता अब कंपनी के प्रमुख के रूप में अपने पद से हट गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ALT बालाजी ने एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शानदार शुरुआत की जिसमें दर्शकों के मनोरंजन के लिए भरपूर कंटेंट मौजूद था। यहां तक कि इस OTT पर पिछले साल लॉकअप नाम का रियलिटी शो भी रिलीज हुआ था और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शो को होस्ट किया था। अलग लेवल का ये शो था। इस OTT में एरोटिक कंटेंट भी काफी है, लेकिन इतने मसाले देने के बाद भी पिछले कुछ सालों में इसका डाउन भी देखा गया था। शायद यही वजह हो सकती है कि एकता कपूर पीछे हट रही हैं। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखना मत भूलिए बॉलीवुड गपशप।